नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चीन सीमा पर 20 जवानों की शहादत के बाद से पूरे देश में गुस्सा है। ये गुस्सा चीनी सामानों के विरोध के रूप में सामने आ रहा है, तो वहीं राज्य सरकारें भी चीनी ठेका रद्द करने की शुरुआत कर दी। महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की साझी सरकार ने तो चीन को सबक सिखाने के लिए पहला कदम उठा भी लिया। उधर सरकार ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने के बाद चीन के 3 प्रोजेक्ट पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। इन प्रोजेक्ट्स की लागत राशि करीब 5,000 करोड़। अब राज्य सरकार की ओर से इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद ही किसी निर्णय तक पहुंचा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने बीते दिनों में 12 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब सरकार ने चीन के इन 3 प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर रख दिया। वही अन्य प्रोजेक्ट पर काम जारी रहेगा, क्योंकि इसमें दूसरे देशों की कंपनियां भी शामिल। ये सभी समझौते जून में ही हुए मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इन्वेस्टर मीट में किए गए थे। इससे पहले BSNL और रेलवे भी चीन को आर्थिक चोट देने के लिए सख्त कदम उठा चुके हैं। BSNL ने 4G अपग्रेडेशन सुविधा में चीन के इक्विपमेंट्स का प्रयोग नहीं करने का फैसला लिया था, तो वही अब टेलीकॉम डिपार्टमेंट यानी डॉट भी इस बात पर विचार कर रहा है कि देश की प्राइवेट मोबाइल सर्विस ऑपरेटर्स भी चीनी कंपनियों के उत्पाद पर अपनी निर्भरता कम करें। जबकि दूसरी तरफ भारतीय रेलवे ने भी चीनी सामान के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। रेलवे ने चीन के साथ किए गए अपने सारे प्रोजेक्ट्स रद्द कर दिए हैं।